नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2022 में रविंद्र जडेजा सुर्खियों में रहे हैं। सबसे पहले कप्तानी मिलने के बाद, उसके बाद कप्तानी छोड़ने के बाद, फिर चोटिल होने के बाद और फिर रहस्यमय चोट लगने के कारण आईपीएल से बाहर हो जाने के बाद रविंद्र जडेजा हर बार सुर्खियों में आए। चेन्नई सुपर किंग्स भले ही इस सीजन में कुछ खास कमाल ना कर पाई हो, लेकिन इस सीजन में सबसे ज्यादा अगर सुर्खियां किसी टीम ने बटोरी तो वो चेन्नई सुपर किंग्स रही। अब ऐसे में जब जडेजा ने कप्तानी छोड़ी और उसके बाद धोनी दोबारा कप्तान बने और फिर जडेजा अचानक से टीम से बाहर हो गए और उसके बाद जब खबरें आना शुरू हुई कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा झटका था। क्योंकि कहा यहां तक जा रहा है कि सुरेश रैना के साथ जो कुछ भी हुआ था वही रविंद्र जडेजा के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब रविंद्र जडेजा हो सकता है कि अगले आईपीएल सीजन में खेलते हुए भी दिखाई ना दें। सीएसके के साथ शायद उनका करियर खत्म हो जाए, साथ ही वो हो सकता है कि आईपीएल में दिखे भी ना। अब रविंद्र जडेजा के पास तीन ऑप्शन हैं। अगर वो तीन ऑप्शन पर विचार करते हैं तब निश्चित तौर पर वो आईपीएल में दिख सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है कि रविंद्र जडेजा आईपीएल 2023 से खेलते हुए दिखाई दें। उन तीनों ऑप्शन पर चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरीके से रविंद्र जडेजा इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन पर टिक लगाकर अपना करियर बचा सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले ऑप्शन पर अगर चर्चा करें तो पहला ऑप्शन रविंद्र जडेजा को बतौर कप्तान ही देखना होगा, लेकिन धोनी संन्यास लें तो जडेजा ठीक से संभाल सकते हैं कप्तानी। ये पहला ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी के लिए। दरअसल कप्तानी संभालने के बाद भी रविंद्र जडेजा काफी परेशान दिखे। वह अधिकतर मौके पर बाउंड्री पर ही फील्डिंग करते दिखे। आपने कभी इस तरीके का कोई कप्तान नहीं देखा होगा, लेकिन हर एक फैसला लेते हुए महेंद्र सिंह धोनी विकेट से पीछे दिखाई दिए। जडेजा केवल टॉस करने आ रहे थे और जब कप्तानी उन्होंने छोड़ी थी तो धोनी ने भी साफ कहा था कि उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो केवल टॉस करने के लिए कप्तान बनाया गया था, इसीलिए उसका दबाव कम करने के लिए कप्तानी अब ले ली गई है। तो फिलहाल अगर धोनी अगले सीजन से पहले संन्यास ले लेते हैं और टीम का साथ छोड़ देते हैं बतौर प्लेयर या बतौर कप्तान और टीम के साथ बतौर मेंटोर या कोच जुड़ते हैं, तो उसके बाद रविंद्र जडेजा अच्छे से इस टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं। वो सर्कल में फील्डिंग कर सकते हैं, अपने मुताबिक गेंदबाजी में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने हिसाब से टीम चुन सकते हैं, तभी शायद रविंद्र जडेजा का करियर बच सकता है। लेकिन अगले ऑप्शन पर भी बात करना जरूरी है। ये ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेलें जडेजा। जडेजा कप्तानी छोड़कर 20 सीजन से भाग खड़े हुए। अब आप जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट कैसे है और महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके के व्यक्ति हैं। वो ऐसे लोगों से अक्सर नाराज होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। सुरेश रैना के साथ जो कुछ भी हुआ दुनिया ने देखा। 2020 में रैना केवल एक बालकनी विवाद से आईपीएल छोड़कर देश वापस लौट आए थे दुबई से, और उसके बाद 2021 में कुछ मैच तो खिलाए गए लेकिन फिर फाइनल और नॉकआउट मुकाबले से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, और 2022 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई ने उन्हें खरीदा भी नहीं था। अब ऐसे में रविंद्र जडेजा भी मुकर गए कप्तानी से, तो निश्चित तौर पर धोनी की नजरों से वो उतर चुके हैं। अब ऐसे में रविंद्र जडेजा को अगर सीएसके में खेलना है तो उन्हें निश्चित तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेलना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक तो धोनी कप्तान नहीं रह सकते इस टीम के। इसीलिए अब जडेजा की कप्तानी छोड़ने के बाद सीएसके का मैनेजमेंट और महेंद्र सिंह धोनी युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ में एक नया कप्तान देख रहे हैं। ऐसे में अगर जडेजा ये मान लेते हैं कि वो जूनियर खिलाड़ी के अंडर में खेलने के लिए तैयार हैं और गायकवाड़ की कप्तानी उन्हें मंजूर है, तो निश्चित तौर पर उनका करियर बच सकता है और वो सीएसके के साथ आईपीएल 2023 में। लेकिन इसके अलावा अब तीसरे ऑप्शन पर बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन रविंद्र जडेजा के लिए बहुत मुश्किल है, चेन्नई सुपर किंग्स और धोनी के लिए भी मुश्किल है। ये ऑप्शन है जडेजा सीएसके का साथ छोड़ें और दूसरी टीम देख लें। अब आप जानते हैं कि रविंद्र जडेजा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स से की थी। उसके बाद उन पर बैन भी लगा था क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम में रहते हुए उन्होंने किसी दूसरी टीम के साथ संपर्क किया था कि वो ज्यादा पैसे लेकर अगले सीजन में उस टीम के साथ जुड़ जाएंगे, जिसके बाद वो बैन भी झेल चुके हैं। अब वही स्थिति रविंद्र जडेजा के साथ है। फिलहाल वो टीम से इस वक्त बाहर है और अगले आईपीएल में जब मिनी ऑक्शन होगा, विंडोज थोड़ा खुलेंगी, तो उससे पहले रविंद्र जडेजा निश्चित तौर पर सीएसके से बात कर सकते हैं और टीम का साथ छोड़ सकते हैं और किसी दूसरी टीम से संपर्क करके वो अच्छे खासे पैसे में उस टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन है, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन जडेजा भी नहीं चाहेंगे, ना सीएसके चाहेगा ना महेंद्र सिंह धोनी चाहेंगे। लेकिन अगर रविंद्र जडेजा को अपना करियर बचाना है और हमेशा रविंद्र जडेजा जो ये कहते नजर आते थे कि मैं झुकेगा नहीं, अगर उन्हें अब झुकना है तभी उनका करियर बचना है,
चाहे वो अब धोनी संन्यास ने उसके बाद कप्तानी संभालें, गायकवाड़ की कप्तानी में झुककर उनकी टीम में खेलें, या फिर अब दूसरा ऑप्शन देख लें और सीएसके का साथ छोड़कर वो किसी दूसरी टीम के साथ चले जाएं। यही तीन ऑप्शन है सर रविंद्र जडेजा के पास, तभी उनका आईपीएल करियर बच सकता है, वरना जो रैना के साथ हुआ वो फिर शायद रविंद्र जडेजा के साथ भी हो जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा को आप आईपीएल 2023 में कहां पर किस तरीके से देख रहे हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।